हेलो एंड वेलकम टू MMB ऑटोटेक इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी आज आपके साथ भारत स्किल के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। जानेंगे कि भारत स्किल ITI के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह लाभदायक है और भारत स्किल यूज़ करने से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ITI के जो डायरेक्टर हैं, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के जो डायरेक्टर द्वारा अभी हाल ही में एक आदेश आया था, जिसके तहत विभाग के जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें अपने व्यवसाय में अध्ययनरत सभी प्रशिक्षार्थियों को भारत स्किल को यूज़ करने के लिए मोटिवेट करना है। उसी के तारतम्य में मैंने अपना ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप के सामने एक पेज खुलकर आएगा जिसमें भारत स्किल से संबंधित जानकारी आपको दी गई होगी। ठीक है, तो ये लिंक मैं अपने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं इस लिंक पर। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो सामने पेज खुल के आएगा। अभी स्पीड थोड़ी स्लो है, इधर की पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो ट्रेड हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आप जिस भी ट्रेड से आप हैं, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड से पहले सेलेक्ट करनी है। सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का है, तो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ऐसे क्लिक करेगा तो उससे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ये कंटेंट है वो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मटेरियल दिया गया, क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ई लर्निंग का मटेरियल दिया गया है। तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की बुक्स दी गई हैं, ई बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल की ई बुक्स है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी की ई बुक्स है, वर्कस ऑफ कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग की ई बुक्स हैं, उससे संबंधित यहाँ वीडियो भी दिए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। और क्वेश्चन बैंक पर आना चाहें तो एक बात आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो मटेरियल दिया गया है वो कई सारी लैंग्वेज में, मल्टी लैंग्वेज में, हिंदी में है, इंग्लिश में, चूंकि हिंदी और इंग्लिश जैसी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, बाकी कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे गुजराती और तमिल में भी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, सेमेस्टर वाइज दिया गया है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, सेमेस्टर वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। थ्योरी का, वर्कशॉप का आपको मिल जाएगा। आपका अगर मॉक टेस्ट देने का मन है तो आप यहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो बन के आएगी। विंडो पे यहाँ पे एक लिंक दिख रही है आपको, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपको अपने संबंधित में कुछ जानकारियाँ देनी है थोड़ी सी, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ ई लर्निंग का कंटेंट दिया गया है। ई लर्निंग वाले पेज पर ये वीक वाइज इन्होंने मटेरियल दे दिया है कि संबंधित व्यवसाय में किस वीक में क्या पढ़ाया जाना है। तो सपोज आपका अगर उस सप्ताह आप कॉलेज नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आप उस सप्ताह का जो है मटेरियल यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कि इसमें टीचर ने क्या पढ़ाया होगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, उस संबंधित आपका यूट्यूब वीडियो यहाँ पे खुल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आप अपडेट रहेंगे कि आपके क्लास में क्या क्या चल रहा है, और काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको भारत के थ्रू आपको मिल जाएगा, जो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में आपको कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। फ्रेंड्स, यदि आप जो है इस लिंक के थ्रू जो है मटेरियल एक्सेस करने में आपको समस्या आ रही हो, तो मैं आपको दूसरा रास्ता जो है वो भी बताता हूँ। आपको जो है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है भारत स्किल। जैसे आप भारत स्किल टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड, चूँकि आप ITI के हैं तो आपको यहाँ CTS सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने यहाँ CTS क्लिक किया तो पुनः आपके सामने ये पेज खुल के आ गया है। तो इस पेज पे आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का है, कोई कोपा का है, कोई फिटर का है, तो जो जिस ट्रेड का स्टूडेंट हो वो अपनी ट्रेड के अंदर जाए और वहाँ पे उससे संबंधित जो ये कंटेंट दिया गया है उसे इजीली एक्सेस कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपकी क्लास में आकर के जुड़ने के लिए। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आकर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।